अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको सिखाने वाले हैं कि सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन के अंदर वायर का सेटअप किस तरह से किया जाता है प्रॉपर वे में, साथ में दोस्तों जो मास्टर डाई है उनको किस तरह से फ़ैन वाइंडिंग के लिए प्रॉपर वे में सेट किया जाता है, ताकि दोस्तों ना तो आपका वायर टूटे और आपकी जो वाइंडिंग है वो भी बेहतरीन हो। तो चलिए दोस्तों ये हम जानते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों जो ये सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है ये है दोस्तों किसान इंजीनियरिंग की। जो इसका दोस्तों मॉडल नंबर है वो है KIZ117। अगर दोस्तों आप एक सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन परचेज करना चाहते हो तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि वायर सेटअप किस तरह से करना है और मास्टर डाई को किस तरह से सेट करना है। दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे कि वायर को प्रॉपर वे में किस तरह से सेट किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं मशीन के लेफ्ट हैंड साइड तरफ, जहाँ पर दोस्तों ये कीप लगाया गया है, ये हमारी लैम्बदा पत्ती है। यहाँ पर दोस्तों जो वायर का टीयर है जो कि दोस्तों हमने नीचे रखा हुआ है, ये दोस्तों सबसे पहले आपको जो कीप के बिल्कुल सीध में नीचे रखना है। यहाँ पर दोस्तों वायर के जो टीयर है बंडल है उसे आपको हमेशा सीधा रखना है, क्योंकि दोस्तों आप इसे उल्टा करके या फिर फेर के रखते हो ना तो कई दफ़े वायर टूटने का शिकायत होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो वायर है उसे आपको कीप से पास कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों कीप में आपको एक होल दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले वायर को कीप से पास कर लेते हैं और दिए गए होल से बाहर निकाल लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ से वायर को पास किया, इसके बाद दोस्तों हमें जो यहाँ पर कोटन्स दिए गए हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले कोटन्स को खोल लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, दोस्तों चार कोटन दिए गए हैं, दो इधर के साइड में और दो इधर के साइड में। हमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कोटन्स पर सबसे पहले ऑयल डालना है और इन्हें दोस्तों अच्छे से भिगा लेना है। यहाँ से दोस्तों कोटन्स को ऑयल के भिगोने के बाद में जो ये वायर है ये आपको दोस्तों कोटन्स के बीच में दबाना है और दोस्तों पेच को आपको टाइट कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो ये सेरेमिक बिट है इसके ऊपर से ये तार हमें ऐसे गुजरते हुए ले जाना है। यहाँ से दोस्तों इस वायर को हमने दूसरे वाले सेरेमिक बिट से ले जाना है और दोस्तों जस्ट जो ये होल दिया गया है इसे दोस्तों पास कर देना है। इसे हम अंदर की तरफ इस वायर को डाल देते हैं। दोस्तों वायर यहाँ पर हमारे पास आगे की तरफ से निकल कर आता है, यहाँ पर से हमें इस वायर को निकाल लेना है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर दोस्तों एक पिंक कलर की सेरेमिक बिट का इस्तेमाल किया गया है, इस फिरकी से होते हुए ही ये वायर आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डबल सरिया ये मशीन है तो इसमें दो सरिया आपको देखने को मिलते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, किसी भी आप एक सरिये को काम में ले सकते हो। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डायमंड बिट्स से ये वायर आपको पास करना है। यहाँ पर तीन डायमंड बिट्स दी गई हैं, ये पहली, इसके बाद ये दूसरी वाली और ये दोस्तों तीसरी वाली। दोस्तों ये वायर हमारे पास से कम्प्लीटली निकल कर आया है। अभी दोस्तों फ़िलहाल ये वाइंडिंग के लिए रेडी है। अभी दोस्तों हमें पीछे की तरफ से कुछ और सेटिंग्स करनी होंगी जो कि बाकी हैं। यहाँ से दोस्तों ये वायर गुजरता हुआ दोस्तों हमारी पहली सेरेमिक बिट में आता है, उसके बाद दूसरी वाली फिरकी में आता है और सीधा मशीन के होल में जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो जो ये वायर हमारा यहाँ पर अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर जो ये वायर है यहाँ से बिल्कुल से टच हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें करना क्या है, ये वाला बोल्ट खोलना है और दोस्तों इसे खोलने के बाद इसे थोड़ा सा ऊपर उठा देना है, ताकि दोस्तों ये प्रॉपर इसके दोस्तों जो केंद्र है उसमें जा सके। यहाँ से दोस्तों ये बिल्कुल भी इसके बॉडी से टच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों हमने क्या किया, इस बोल्ट को एडजस्ट करके इसे बिल्कुल होल से फिक्स कर दिया। अभी दोस्तों क्या दिक्कत आती है, अगर ये वायर आपका इधर की साइड थोड़ा ज़्यादा होता है इधर की साइड, या फिर इधर की साइड थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ पर ये दोनों बोल्ट्स को खोल कर इसको थोड़ा सा इस तरह से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल ये फिक्स है तो मैं इसे यहाँ पर बोल्ट्स को लगा कर टाइट कर देता हूँ। ये हो जाता है दोस्तों हमारे मशीन का कंप्लीट वायर सेटअप। अभी दोस्तों हम डाई सेट करना सीखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों फ़ैन वाइंडिंग के लिए आपको टोटल चार डाई मिलती हैं, दो रनिंग कॉइल के लिए और दो स्टार्टिंग कॉइल के लिए। अभी दोस्तों आपके बीच में कन्फ्यूज़न रहेगा कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा डाई रनिंग कॉइल का है और कौन सा स्टार्टिंग का है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूँ, जिन डाई की ये जो कोर है ये अगली वाली कोर बड़ी होती है वो स्टार्टिंग कॉइल्स की हैं, और जिन डाई की दोस्तों ये छोटी होगी वो रनिंग कॉइल की हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो ये जो दो डाई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों डाइयों की जो ये कोर है ये छोटी है और साथ में दोस्तों थोड़ी चौड़ी भी है, तो ये रनिंग कॉइल्स की हैं और दोस्तों ये दोनों डाई हमारी स्टार्टिंग कॉइल्स की हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे, तो हम लेते हैं दोनों स्टार्टिंग कॉइल्स की डाई को। दोस्तों डाई को सेट किस तरह से करना है, जैसा कि दोस्तों ये डाई है, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये वाली कोर है जो कि ये बिल्कुल यहाँ पर पेपर की इस कोर से बिल्कुल सटा कर रखनी होती है इस तरह से। अब दोस्तों डाई को आपने फिक्स करने के बाद आपको देखना है कि क्या करना होगा, जो डाई है वो हमारे फैन की कोर को पूरी तरह से कवर करनी चाहिए। और दोस्तों साथ में जो ये होल हैं, जो वायर जाने के लिए जगह होती है, ये कट है, ये भी प्रॉपरली बचनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सीलिंग फ़ैन का कोर लिया हुआ है, जिससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपने समझने में इन्हें आसानी होगी। तो अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो कोर है, इतना कोर है, इसे ये डाई पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहा है। तो हम दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, इस डाई के बोल्ट को थोड़ा खोलेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, जो ये आगे से इसका जो हेड है वो खुल जाएगा। देखिए जैसा कि दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो, यहाँ से क्या हुआ, हमारी जो कोर है वो पूरी तरह से कवर हो चुकी है। और दोस्तों जहाँ पर ये कट लगाया गया है वायर के लिए, वो भी प्रॉपरली बचा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये स्टार्टिंग कॉइल का डाई सेट करना है। और दोस्तों क्या करना है, जो सीलिंग फैन की जो स्टार्टिंग कॉइल की डाइयाँ हैं, वो दोनों इसी तरह से आपको सेट करनी होंगी। जैसा कि दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डाई ने पूरी कोर को कवर किया और दोस्तों दोनों तरफ से वायर जाने के लिए भी प्रॉपर जगह बनी हुई है। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल की दोनों डाइज को इसी तरह से इसी डायरेक्शन में सेट करें। अब दोस्तों 12 सलाट का है, तो उसके लिए थोड़ा बड़ा सेट होगा, तो उसके लिए इस तरह से कोर पर रख कर ना डाई को एक बार आप खोल लीजिए और फिक्स सेट कर लीजिए। दोस्तों आपने देखा होगा डाई के ऊपर दोस्तों इस तरह की दो पत्तियाँ लगी होती हैं। अब दोस्तों इन पत्तियों को आपको किस तरह से सेट करना होता है, जैसा कि दोस्तों हमारे डाई को हमने इस स्लॉट पर सेट किया था, इसको हमने दोस्तों डाई के ज़रिए कवर किया था, तो ये वाली जो पत्तियां हैं दोस्तों हमें इस तरह से लगानी होती हैं। देखिए इस तरह से, यानी कि दोस्तों जो नीचे वाला खांचा है उसे वो पूरी तरह से कवर करे और दोस्तों जो वायर जगाने के लिए जगह भी बनी रहे। देखिए इस तरह से, ये नीचे वाली होती है जो हमें इस तरह सेट करनी होती है और ऊपर वाली हमें इस तरह से सेट करनी होती है। अब दोस्तों क्या होगा, जो वायर है वो सीधा इसके ज़रिए स्लॉट के अंदर जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, डाइस को तो हमने थोड़ा ऑलरेडी सेट कर लिया हुआ है। अब दोस्तों मशीन के अंदर हमें डाई को लगाना है, तो उससे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, ये दोस्तों हमारा डाई हेड है जिसके ऊपर दोस्तों डाइयों को लगाया जाता है। तो हमें दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर डाई हेड के ऊपर दोस्तों आप तीन निशान देख पा रहे हो, एक ये और दो ये। तो ये जो निशाने हैं ये आपको ऊपर की तरफ रखने हैं, आसमान की तरफ। इससे क्या होता है दोस्तों, कॉइल वाइंडिंग में फिनिशिंग बहुत ही शानदार आती है। अभी दोस्तों हम डाइस को लगा कर करते हैं कंप्लीट। यहाँ पर दोस्तों डाई को आपको इस तरह से माउंट करना है और दोस्तों ये जो डाई का बोल्ट है ये आपको ऊपर की तरफ रखना है। यहाँ पर दोस्तों बोल्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, बोल्ट्स लगा कर आपको कंप्लीट कर देने हैं। जैसा कि दोस्तों हमने इधर की साइड ये वाला डाई लगा कर कंप्लीट किया है, उसी तरह से दोस्तों जो इसके अपोजिट की साइड, इधर भी आपको दोस्तों स्टार्टिंग आपको दूसरा वाला डाई लगा लेना है। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हो, हमने दोनों डाई लगा कर कम्प्लीट कर लिए हैं। यहां पर दोस्तों अभी इस साइड हम हमारा फ़ैन लगा देते हैं। यहां पर दोस्तों इन दोनों बोल्ट्स के बीच में हमें हमारा फ़ैन माउंट करना होता है। दोस्तों सबसे पहले हम इन बोल्ट्स को लूज़ कर लेते हैं और हमारे फ़ैन को माउंट करते हैं। यहां पर दोस्तों इससे पहले क्या करना है, जो ये आप ये पत्तियां देख पा रहे हो, इसमें दोस्तों क्या है कि मास्टर डाई के अंदर आपको दोस्तों मिलता है स्लाइडिंग सिस्टम, जिसके ज़रिए दोस्तों जो ये स्टेटर है, इसे आप स्टेटर के हिसाब से इस डाई की जो चौड़ाई है उसे एडजस्ट कर सकते हो। तो इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो वाली हमारी चौड़ाई है ये थोड़ी कम है और स्टेटर ज़्यादा है। यहाँ पर दोस्तों बोल्ट को खोल कर हम इस जो कि हमारी डाई का स्लाइडिंग सिस्टम है उसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमने हमारा स्टेटर लगा कर किया कम्प्लीट और दोस्तों हम इसे इस मशीन के अंदर फिक्स कर देते हैं। देखिए जी इस तरह से। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने ओल्ड स्टेटर इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों नया करने में होती है आसानी, और मैं आपको दोस्तों ओल्ड स्टेटर करके दिखाने वाला हूँ। ये हमने फिक्स कर दिया। इसके बाद में दोस्तों हमें ये डाई को थोड़ा और सेट करना होगा। दोस्तों आपको करना क्या है, ये वाली कोर है जो कि आपको जस्ट पेपर के सटा कर रखनी है दोनों तरफ से। और यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, जो ये वाली आपकी डाई की ये वाली कोर है, ये बिल्कुल इस वाली कोर के बिल्कुल बराबर में आनी चाहिए दोनों तरफ से। अब दोस्तों इसको सेट तो हमने ऑलरेडी किया है, बस यही फिक्स करना होता है। इस तरह से फिक्स करने के बाद दोनों दोस्तों
दोनों बोल्ट्स को आपको टाइट कर देना होता है। इसी तरह से जो दूसरी वाली डाई है उसको सेट कर देना है। आप यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी कोर है वो पूरी तरह से कवर हो गई और वायर जाने के लिए प्रॉपर जगह बनी हुई है। अब दोस्तों ऊपर वाली इस वाली पत्ती को उतना नीचे तक लाना है कि जो दोस्तों आपका वायर ही उससे निकल सके, बाकी दोस्तों उसमें जगह नहीं रहनी चाहिए। इस ऊपर वाली पत्ती को दोस्तों मैं खोल के नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर फिक्स करता हूँ कि यहाँ से दोस्तों आपको सिर्फ इतना देखना है कि वायर आपका जाने के लिए थोड़ी ही जगह बचे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो हमने सिर्फ और सिर्फ इतना सा गैप रखा है कि सिर्फ हमारा वायर निकल सके। इसी तरह से दोस्तों जो नीचे वाली पत्ती है उसे सेट करते हैं। यहाँ से दोस्तों हम जो ये नीचे वाली पत्ती है इसे भी खोलकर सेट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, पत्ती के जो पीछे की तरफ से ना दो बोल्ट मिलते हैं आपको, जिन्हें आप खोलकर ना एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों देखो बिल्कुल ना आपने थोड़ा सा गैप रखना है कि जो सिर्फ और सिर्फ आपका वायर चला जाना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों डाई हो गया कम्प्लीट सेट। अब थोड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर वायर दोस्तों यहाँ पर अटकता है, यहाँ पर आकर रुकता है इस ऊपर वाली कोर में, तो क्या करना है, ये वाली पत्ती को डाउन करना है। अगर नीचे की तरफ से दोस्तों इस वाली कोर में अटकता है, नीचे वाली में, ठीक है, जैसे कि इस वाली में, तो आपको नीचे वाली पत्ती को थोड़ा उठाना होगा। अभी यहीं पर दोस्तों अगर इस नीचे वाली पत्ती को जिसको हमने डाई से कवर किया है इसमें रुकता है तो आपको डाई को थोड़ा खोलना होगा। जैसा कि दोस्तों देखना अभी हम इसे यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों डाई को कर दिया सेट, वायर को लेते हैं और दोस्तों कुछ कॉइल इंस्टॉल करके देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि प्रॉपर वे में सेट हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि दोस्तों क्या होता है, आप शुरुआती ना कुछ टर्न्स आप हाथ से डालकर देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वायर अच्छे से सेट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर डाई थोड़े से सेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब जैसे यहाँ पर वायर रुका तो हमें क्या करना है, इस वाली पत्ती को थोड़ा डाउन कर देना है। तो फिलहाल दोस्तों हमने इस वाली पत्ती को फिक्स कर दिया है, अभी हम मशीन को चलाते हैं और कुछ कॉइल्स इंस्टॉल करके देखते हैं। जैसे ही दोस्तों टर्न कंप्लीट होते हैं हमारा मशीन रुक जाता है। अभी दोस्तों हम और कुछ कॉइल्स इंस्टॉल करके देखते हैं। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो ये हमारा सेकंड कॉइल है। तो दोस्तों इस तरह से होती है स्टार्टिंग कॉइल्स के डाई की सेटिंग। अब दोस्तों यहां से आगे आपको कोई शिकायत आने वाली है नहीं, आप आसानी से पूरे फैन को वाइंड कर पाओगे। चलिए दोस्तों अभी हम इसी तरह से पूरा फैन वाइंड कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो हमारी स्टार्टिंग ऑल कॉइल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाते हैं, और दोस्तों आप देख पा रहे हो वाइंडिंग भी इतनी फिनिशिंग है कि जिस तरह से एक कंपनी वाइंडेड फैन आता है। दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो जाने के बाद में हम स्टेटर को बाहर निकाल लेते हैं और दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं रनिंग कॉइल्स का इंस्टॉलेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने स्टेटर को मशीन से निकाल लिया है और यहाँ पर रनिंग कॉइल्स के लिए पेपर लगाकर कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको रनिंग कॉइल का डाई लेना है और रनिंग कॉइल के स्लॉट पर सेट करना है। जैसा कि दोस्तों रनिंग कॉइल का स्लॉट है हमारा ये वाला, हम दोस्तों डाई लेते हैं और डाई को दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरह से इस डायरेक्शन में सेट करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें डाई को इस कोर पर सेट करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोर थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है और डाई उसे पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, डाई के हेड को थोड़ा खोलते हैं। देखिए जी, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि हमारे डाई ने पूरे कोर को कवर किया और जो स्लॉट में वायर जाने के लिए जगह भी प्रॉपरली बची हुई है। जैसा कि फ्रेंड्स आप इस स्टैम्पिंग के ज़रिए समझ सकते हो कि हमारे डाई ने किस तरह से पूरी तरह से कोर को कवर किया। इस तरह से दोस्तों आपको दोनों रनिंग कॉइल के डाई को सेट कर लेना है। आ जाते हैं हमारी वाइंडिंग मशीन पर। यहाँ पर ऑलरेडी हमारी स्टार्टिंग कॉइल की डाइयाँ लगी हुई हैं, इन डाइयों को दोस्तों हमें खोल लेना है और रनिंग कॉइल्स की डाई को माउंट कर देना है। यहाँ पर हमने हमारे रनिंग कॉइल के जो डाई हैं वो लगाकर कंप्लीट कर दिए हैं। अभी दोस्तों हम हमारी फैन वाइंडिंग मशीन पर स्टेटर को लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम स्टेटर को फिक्स कर देते हैं हैंडल को आगे की तरफ प्रेस करके। ये दोस्तों हमारा स्टेटर फिक्स हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों डाई को आपको इतना आगे रखना है जो ये वाली कोर है, ये जो आप डाई की अगली वाली कोर देख पा रहे हो, ये वाली कोर जो हमारा पेपर होता है टॉप, इससे बिल्कुल जस्ट थोड़ी अटैच होनी चाहिए, ज़्यादा आगे मत रखिए।
और दोस्तों अगर आपके सामने ये शिकायत आती है कि जो वायर है वो स्लॉट से बाहर निकल जाता है, देखो या तो वो वायर रह जाता है यहाँ पे, ठीक है, और या फिर वो रह जाता है यहाँ पे, तो इस चांसेस में आपको क्या करना होता है, डाई को थोड़ा आगे खिसकाना होता है। देखिए रनिंग कॉइल की डाई को आपको इस तरह से सेट करना है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये डाई थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हो, आप डाई को थोड़ा इस तरह से और इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको दोस्तों इसे इस तरह से रखना है जो ये हमारी कोर है रनिंग की, उसे हम पूरी तरह से कवर कर सकें और हमारे स्लॉट्स में आसानी से वायर जा सके। यहाँ पर दोस्तों हम जो डाई है उसे हमारे हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ाकर और दोस्तों बोल्ट्स को टाइट कर देते हैं। ये हो गई दोस्तों हमारी मास्टर डाई सेट। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा बहुत अगर आपको एडजस्ट करना पड़े तो आप इस तरह से इस बोल्ट को खोलकर और कसकर थोड़ा छोटा बड़ा डाई को कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों जो डाई के ऊपर लगने वाली ये पत्तियाँ दो दी गई हैं, ये दोस्तों मैक्सिमम चांसेस में क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग के लिए सेट करते हैं वो रनिंग के लिए भी ऑटोमेटिकली सेट ही रहता है, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में ये काम करती है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा परेशानी आती है तो आप इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों अगर कोर के ऊपर की तरफ वायर जाता है तो आप इस वाली पत्ती को थोड़ा नीचे करना है, और नीचे की तरफ से रुकता है तो उस वाली पत्ती को थोड़ा ऊपर उठाना है। यहाँ पर दोस्तों अगर साथ ही इस वाली पत्ती पर वायर अटकता है तो डाई को थोड़ा खोलना होगा इस तरह से। अभी दोस्तों जैसा कि हमने ये वाला डाई सेट किया, सेम दोस्तों इसी कंडीशन में आपको ये दूसरा वाला डाई सेट करना है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही बराबर से आपको सेट करने होंगे। अभी दोस्तों हम चलिए कॉइल वाइंडिंग करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों डाई सेट करने के बाद में आप जब भी कॉइल वाइंडिंग स्टार्ट करो उससे पहले क्या करना है, दोस्तों वायर के साथ में आपको दोस्तों 2-3 फेरे एक बारी हाथ से डाल लेने हैं, ताकि दोस्तों अगर वायर कहीं अटकता है या फिर रुकता है तो हम इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पर रुक रहा है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इस वाली पत्ती को थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं, या वाली या फिर डाई है जो कि हमारी ये वाली, इसके हेड को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए हमने छोटा किया थोड़ा, तो अभी वायर प्रॉपर से जा रहा है। चलिए दोस्तों फैन वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो रनिंग का हमारा पहला वाला कॉइल कम्प्लीटली हो गया इंस्टॉल। अभी दोस्तों स्टेटर को निकाल लेते हैं और सेकेंड वाला कॉइल इंस्टॉल करते हैं। स्टेटर को किया दोस्तों फिक्स और मशीन को ऑन करते हैं। ये दोस्तों हमने किया मशीन को ऑन दूसरे कॉइल की वाइंडिंग के लिए। चलिए दोस्तों एक और कॉइलिंग अभी हम करके देख लेते हैं। एक बारी दोस्तों आपने डाई सेट किया, उसके बाद दोस्तों आपके कितने भी कॉइलिंग हुए, कितने भी फैन हुए, आप आसानी से कर पाओगे, कोई शिकायत आने वाली आपको है नहीं। ये करते हैं दोस्तों मशीन को ऑन। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो हमारे ऑल रनिंग कॉइल्स लगभग इंस्टॉल हो चुके हैं, लास्टली एक कॉइल बचा है। चलिए दोस्तों ये एक कॉइल भी हम डालकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ओल सीलिंग फैन वाइंडिंग कंप्लीट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंप्लीट स्टेटर वाइंडिंग, और आप फिनिशिंग देख पा रहे हो बिल्कुल लुक लाइक कंपनी वाइंडेड फैन जैसी दिखती है, और दोस्तों ये परफेक्ट वर्क करेगी बिल्कुल A1। ये थी दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से वायर का सेटअप करना है और किस तरह से डाई का सेटअप करना है। दोस्तों अगर ये सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन आप परचेज कर रहे हो तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए प्लीज़ से, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से चालू कीजिए, ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले।